दोस्तों इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन इन सभी चीजों के बीच बीजेपी के लिए जो बड़ी बुरी खबर निकल कर आई वो है उत्तर प्रदेश से। बीजेपी जो है अपने बहुमत के आंकड़े तक अकेले भी नहीं पहुंच पाई। अब जिस आंकड़े तक एनडीए गठबंधन पहुंचा है वहां पर चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, ये सब अपने अपने तरीके से मोदी जी को यूज करेंगे। और गलती यहां पर बीजेपी की भी बहुत सारी है। बीजेपी की इतनी बड़ी दुर्दशा का होने का जो रीजन है ये खुद बीजेपी के बड़े लोग ही हैं। चाहे मोदी जी की बात कर लो, चाहे अमित शाह की बात कर लो, चाहे किसी या नड्डा की बात कर लो, कई कारण हैं जो मैं आपको गिनाता हूं। अब जैसे देखिए, अब की बार 400 बार ये नारा ही सबसे गलत नारा इसलिए साबित हो गया क्योंकि इससे जनता को एक ऐसा कॉन्फिडेंस मिल गया कि यार मोदी जी हैं, कुछ कर ही लेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि 400 पार कहा है तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने ईवीएम वगैरह सेट कर लिया होगा, जैसा कि ईवीएम को छेड़छाड़ की खबरें आती रहती है। लेकिन इस बार जनता की और विपक्ष की ये भ्रम जो है ये टूट गई होगी कि इस तरह की चीजें होती है कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ईवीएम सब कुछ सही है, उसका चीरहरण होने की जो खबर है ये सब कुछ गलत है। अब देखिए, नड्डा ने जो उनके अध्यक्ष हैं बीजेपी के, इन्होंने कह दिया कि भगवा बीजेपी से मतलब नहीं है, बीजेपी का मतलब भगवा नहीं होता है। इससे भी बहुत से लोग नाराज हुए। फिर उसके बाद अब की बार 400 पार ये नारा भी लेकर डूब गया। लोगों को आसान तरीका मिल गया कि यार बीजेपी तो बना ही लेगी, इसके लिए क्या ही मेहनत करना। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं ने भी काम नहीं किया। फिर उसके बाद नड्डा ने एक और बड़ी बात कह दी कि हमें आरएसएस की भी जरूरत नहीं है, हम आरएसएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और फिर जो सबसे बड़ी कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं वो उत्तर प्रदेश, कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली का रास्ता तय किया जाता है और उत्तर प्रदेश में ही सीटें गड़बड़ हुई है। पिछली बार जो 62 सीटें मिली थी वो इस बार 33 पर ही सिमट गई। असली खेल खेल गए वो दो लड़के, युवा लड़के जिन्हें कहा जाता है अखिलेश और राहुल गांधी, इन्होंने सीट बटोर ली वहां पर। अब सीट तो बटोर ली, कहा यह भी जा रहा है कि योगी जी ने कुछ सीटों की प्रस्तावना दी थी कि 35 सीटें हैं, यहां पर इन लोगों को खड़ा किया जाना चाहिए, जिस मामले को, जिस अर्जी को अमित शाह और नड्डा ने ठुकरा दिया। यानी योगी जी जानते थे कि इस सीट पर यह प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन उनकी मांगों को ठुकरा दिया गया। और इसमें यह भी कहा जा रहा था कि इलेक्शन के बाद योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा भी दिया जाएगा, इसने भी बड़ा काम किया। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जिसने काम किया, जो एक भ्रम, जो एक हमला अखिलेश और पूरे एनडी गठबंधन ने किया, वो यूपी में पूरी तरह से आग की तरफ फैल गया। वो ये था कि अयोध्या में, अब लोगों को लगा कि अयोध्या में राम मंदिर बना दिया है बीजेपी ने तो सीट जीतनी है, लेकिन अयोध्या में भी हार गए। अयोध्या सीट तो नहीं थी, फैजाबाद सीट थी, अयोध्या उस दायरे में आता है। अब वहां पर जो लल्लू सिंह खड़े थे बीजेपी की तरफ से, इन्होंने अपने भाषण के दौरान कह दिया कि वो संविधान बदल कर रख देंगे। अब उस मामले को विपक्ष ने इतना भुनाया कि संविधान बदल कर रख देंगे, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तो जो छोटे जाति के लोग थे उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जाकर वोट किया, इतना वोट किया कि बीजेपी को हार का मुख देखना पड़ा। अब जो सपा की तरफ से खड़े किए गए थे उम्मीदवार जो प्रसाद करके हैं, उन्हें भी 5 लाख वोट मिले, कुछ 5.5 लाख वोट मिले और 54,000 वोटों से लल्लू सिंह हार गए। अब आप सोचिए कि अयोध्या वासियों को ही दोष देना काफी नहीं है, क्योंकि अयोध्या वासियों ने भी 5 लाख वोट तो किए ही थे बीजेपी को। बाकी कुछ ने डर की वजह से, कुछ ने भ्रम की वजह से, कुछ ने गलत चीजों की वजह से, जिस चीज को बीजेपी सही तरीके से संभाल नहीं सकी, और यही चीज है जो हार का बड़ा कारण बना। अब आप सोचिए कि वो योगी जी जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़िया काम किया, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे सुरक्षा को लेकर, चाहे किसी भी चीज को लेकर, बहुत बढ़िया काम किया है और प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे थे। कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह नहीं चाहते थे कि योगी का कद उनसे भी बड़ा हो, वो प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाएं। अमित शाह उस चीज को खत्म करके, ये भी कहा जा रहा था कि मोदी जी 2-2.5 साल और प्रधानमंत्री के पद पे रहेंगे, उसके बाद अमित शाह का नंबर आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को मिलाकर जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करना, फिर दूसरी पार्टी के जो घोटालेबाज लोग थे, भ्रष्टाचारी थे, कांग्रेस बसपा सपा से आए हुए लोग, 130 लोगों को टिकट दिया गया था जिसमें से सिर्फ 9 लोगों को ही जीत मिली। अब आप सोचिए इतने लोगों को जीत नहीं मिली तो बीजेपी ने कितना बड़ा बुरा काम किया कि जो बीजेपी में लोग थे, इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, उनको टिकट ना देकर आपने बाहरी लोगों को, भ्रष्टाचारियों को टिकट दे दिया। तो ऐसी बहुत सारी वजह है, धीरे धीरे हम सभी के सामने आती रहेगी। वैसे आपकी पूरी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताइए।